मेलेडी कहाँ पैदा की जाएगी, कहाँ मुर्गी लेना है, कहाँ किस तरह से शब्द का लोच पैदा करना है, आवाज का लेवल क्या रखना है। तो एक साधारण स्त्री की तरह प्रभुकुंज से निकलती है फेडरल रोड से और फेमस या जो भी महबूब स्टूडियो जहाँ भी जाना होता है, लेकिन जब वहाँ से निकलती है तो एक इतिहास रच चुका होता है। वो इतिहास अगर न रचा जाए तो फिर हम यहाँ बैठ कर क्या खाक अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो उस दिव्य मूर्ति जिसका नाम लता मंगेशकर है, उसके बहुत सारे कर्जे और बहुत सारे एहसान हम पर। एक बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें, जितनी हमारी नायिकाएं थी उनमें एक शालीन स्वर देकर, अलग अलग नायिकाएं, कहीं साधना है, कहीं वहीदा है, कहीं शर्मिला है, कहीं अलग 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 अलग, बड़ी एक लंबी फहरिस्त हो सकती है, लेकिन उन तारिकाओं के चित्र को हमारे मानस में स्थापित करने का काम, उसका शिलान्यास वो हमारे हृदय में कर देती है, उन तारिकाओं का, उन अभिनेताओं का, अभिनेत्रियों का। तो चाहूंगा गीत से दूसरा दौर शुरू हो और फिर अभिनेत्री कैसे दिखती है लता जी के स्वर से नीतेश शुरू करें।